हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ, आपका फिज़िकल एजुकेशन टीचर। बच्चों, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के सभी देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो अब विदेशों में भी फैल गया है। योग के विदेशों में प्रसारित करने का श्रेय योग गुरुओं को जाता है, जिन्होंने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया। आज विश्व भर में लोग स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। योग का महत्व कोरोना काल में और अधिक बढ़ गया, जब कोविड लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, जिम बंद हो गए थे। तब लोगों ने मन को शांत रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए घर पर ही योगाभ्यास किया। लेकिन इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई, जब पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस एक साथ मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। महज 3 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया गया। अगले ही साल 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। सवाल है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे खास वजह है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। साल 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, जिसका अर्थ है मानवता के लिए योग। इस थीम के साथ दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। तो बच्चों, आप भी प्रतिदिन योग किया करें और अपने को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।